आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टंगा गढ़वा झारखंड एएनएम जीएनएम डी फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। स्थायीकरण की मांग को ले आंदोलित सहायक पुलिसकर्मी हुए उग्र, रांची रवाना। विगत 1 सितंबर से स्थायीकरण की मांग को लेकर गढ़वा जिले के सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं। इन सहायक पुलिसकर्मियों ने नाराजगी प्रकट करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही गढ़वा जिले के सभी आंदोलित सहायक पुलिसकर्मी आज मुख्यमंत्री का घेराव करने रांची रवाना हो चुके हैं। दरअसल सरकार ने 2017 में 3 वर्ष पूर्व गढ़वा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों से 200 सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति शारीरिक एवं लिखित प्रशिक्षण के बाद की थी, जिसमें 33% महिलाएं शामिल थी। तब सरकार के इस निर्णय की भरपूर सराहना हुई थी, क्योंकि जिन युवक युवतियों की इस बल में नियुक्ति हुई थी वे सभी सुदूरवर्ती अति नक्सल प्रभावित इलाके के नौजवान थे, जिन्हें भटकने की पूरी संभावना थी। उस समय बहाल किए गए इन 200 युवक युवतियों में सभी गरीब परिवार के वैसे नौजवान हैं जिनके समक्ष रोजी रोटी की भारी संकट थी। ऐसे में इनका जिस हिसाब से पुलिस विभाग के द्वारा पारदर्शिता पूर्ण चयन किया गया था, काफी सराहना हुई थी। झारखंड के तत्कालीन रघुवर सरकार ने इन सहायक पुलिसकर्मियों को स्थायीकरण का भरोसा दिया था। उन्हें स्वस्थ किया गया था कि 3 साल पश्चात इनकी सेवा स्थायी कर दी जाएगी, मगर 3 साल अगस्त माह में पूरे हो गए तथा आश्वासन के अनुरूप इन्हें रेगुलर नहीं किया गया, तो सहायक पुलिसकर्मी आंदोलित हो उठे तथा पिछले 1 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इस क्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने से लेकर सामूहिक अवकाश जैसे आंदोलन इनके द्वारा किए जा रहे हैं। इस दौरान जब इनकी बात जिला स्तर पर नहीं सुनी गई, तो आज सहायक पुलिसकर्मी रांची मुख्यमंत्री का घेराव करने रवाना हो गए हैं। जानकारी अनुसार रांची जाने के क्रम में पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। सहायक पुलिस कर्मियों का कहना था कि जब तक पुलिस अधीक्षक उनसे वार्ता नहीं करेंगे, तब तक वे लोग रांची जाने से नहीं मानेंगे, लिहाजा वे लोग रांची रवाना हो चुके हैं। इन आंदोलित सहायक पुलिस कर्मियों का प्रमुख मांग झारखंड पुलिस के समान सेवा स्थायी करने का है। इसके पीछे उनका तर्क है कि सरकार ने उनकी नियुक्ति नक्सल प्रभावित इलाके में सूचना के आदान प्रदान करने के लिए उनके गृह थाने के अंदर की थी, मगर नियुक्ति के बाद उनसे झारखंड पुलिस के संवर्ग के सभी तरह की ड्यूटी ली जा रही है। उन्हें उसमें पेट्रोलिंग पार्टी से लेकर नक्सल प्रभावित इलाके के ऑपरेशन में भी काम दिया जा रहा है, यहाँ तक कि ट्रैफिक ड्यूटी और VIP की सुरक्षा में भी लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार जब आरक्षी की तरह इन्हें इस्तेमाल कर रही है, तो उसे उसकी सेवा आरक्षी संवर्ग के रूप में की जाना इनकी मांग कहीं से भी अनुचित नहीं है। हम लोग अपना धरना के लिए, हम लोग का अनुबंध समाप्त हो गया है, 3 साल हम लोग जा रहे हैं, 3 साल से मिलेंगे। तो इतना दूर है रांची, आप बच्चा लेके जाएंगे? मरना ही है, घर में जाएंगे तो इतना अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हम लोग बहाल हुए हैं, क्या हम लोग को वहाँ रहने देगा गांव घर में? ऐसा ही परेशान करेगा उसे, ऐसा है कि यही मर मिट जाएंगे, घर पे जाएंगे, तो बच्चा को कहाँ से पेट पालेंगे हम लोग? उम्र भी खत्म हो गया है कि नहीं दूसरा नौकरी ले सकते हैं। तो इतना दिक्कत होगा बच्चा लेके जा रही है, कुछ भी दिक्कत होगा हम लोग सब दिक्कत का सामना करते हुए जाएंगे, चाहे मर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा, इधर हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग वापस नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ? धन्यवाद। लुभी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।